नमस्ते, मेरा नाम धर्मेश है और इस वक्त मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठा हूँ। हालांकि मैं भी इसी कैंपस का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक प्लांटेशन साइट की खोज में आया था। मुझे पता था कि यहाँ पे काफ़ी स्पेस है प्लांटेशन के लिए, तो मैं सोचा कि चलो एक बार मुआयना करके आते हैं कि यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्लांटेशन के लिए तो जगह बहुत है, प्रॉब्लम एक है कि यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम है। वाटर कंजर्वेशन थोड़ा अगर किया जाए तो काफ़ी सॉल्यूशन है। मैं इस यूनिवर्सिटी के तमाम विद्यार्थियों से जो आज बहुत सारे कंपनियों में टॉप पोजीशंस पे हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, एमडीज़ हैं या सीएसआर के हेड्स हैं या फाउंडेशंस के हेड हैं, मैं उन तमाम लोगों से, महान लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा अपना वक्त दीजिए। आप जिस रूट से बड़े हुए हो, जिस रूट पे से आप आज शिक्षा लेकर उन पोजीशंस पे हो, मैं इस यूनिवर्सिटी का आप धन्यवाद दीजिए कि इस यूनिवर्सिटी के नाते आप उस पोजीशन पे हो। और ये शिक्षा का हमारा घर है, इसे इसकी सुरक्षा और इसका संवर्धन हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं अपील करूँगा तमाम जो एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं उन लोगों से भी, जो वाटर हार्वेस्टिंग पे काम कर रहे हैं उन लोगों से भी, कि प्लीज़ थोड़ा सा आप वक्त निकालिए। मुंबई यूनिवर्सिटी का कैंपस पानी की किल्लत से जूझ रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि थोड़े सूखे हुए प्लांट्स दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पानी अवेलेबल नहीं है। तो अगर यहाँ पर पानी को हम कंजर्व करें, वाटर हार्वेस्टिंग का अगर थोड़ा सा कोशिश करें, तो काफ़ी सारा स्कोप है प्लांटेशन को, उससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो जितने भी लोग वाटर कंजर्वेशन पे, हार्वेस्टिंग पे काम कर रहे हैं, उन लोगों तक अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो आप प्लीज़ आगे आइए। आप अगर इस कैंपस को आप मदद कर सकते हो तो आपके वजह से लाखों ट्रीज़ को हम इस यहाँ पर प्लांट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर, आज मुंबई का टेम्परेचर देख लो 34+ है, पानी की किल्लत है, ग्राउंड वाटर लेवल का प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम हम प्लांटेशन से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपका वाटर हार्वेस्टिंग से कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो ज़रूर इस कैंपस के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं उन तमाम लोगों से अपील करूँगा, प्लीज़ आगे आइए इस कैंपस के लिए और आप मदद करिए एक स्टूडेंट होने के नाते। और अगर आपको कोई अगर आपके नज़र में है जो कर सकता है यहाँ पर मदद, तो आप प्लीज़ उन तक ये हमारी मैसेज पहुँचाइए। थैंक यू।